नेक्स्ट डेस्टिनेशन वी आर ऑन इज जयगढ़ फोर्ट. अब आमेर फोर्ट आप पहले कवर करना चाहें पहले कर सकते हैं, बाद में करना चाहें बाद में कर सकते हैं. तो दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर और सो. सो ये दो मेन फोर्ट है. नाहरगढ़ आप अगर छोड़ना भी चाहें आप छोड़ सकते हैं, बहुत कुछ नहीं है उसमें. सो आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट दीज टू फोर्ट्स. नंबर वन इज आमेर फोर्ट, उसको प्रायोरिटी पे रखिए, एंड देन जयगढ़ फोर्ट. एक और अट्रैक्शन जो जयपुर में आप देख सकते हैं दैट इज जल महल. ये ऑन द वे टू आमेर फोर्ट है. इसमें स्पेशल बात क्या है कि इसकी 5 स्टोरीज हैं जिसमें आप देख सकते हैं 1 स्टोरी ऊपर है और जो 4 स्टोरीज हैं वो पानी में इमर्स्ड हैं जो आप नहीं देख पाएंगे. कुछ साल पहले यहाँ पे बोटिंग के थ्रू आपको दिखाया जाता था बट राइट नाउ ये कुछ साल पहले ये बंद हो चुका है. यहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का. जैसे यहाँ मेरे साथ अभी मुन्ना जी खड़े हैं तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं ये डिफरेंट ड्रेसेस पहन के. क्या प्राइस है इनका? 100 रुपए के अंदर फोटो बनाते हैं. इसमें ड्रेस फोटो दोनों के लिए उठाता है, चाहे सिंगल बनाओ इसे कपल के अंदर बनाओ. यादगार मेमोरी होता है, आप इतनी दूर से घूमने फिरने आते हो यादगार चीज ले जाओगे. फोल्डिंग ड्रेस अब होता है ना, जूता चप्पल कुछ भी निकालना पड़ेगा. 5 मिनट में फोटो बना के दे देते हैं. तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया मुन्ना जी जैसे और भी बहुत सारे आपको यहाँ वेंडर्स मिल जाएंगे जो आपकी पिक्चर्स क्लिक करेंगे विद डिफरेंट ड्रेसेस, राजस्थानी ड्रेसेस स्पेशली. जल महल का स्टॉपेज आप आमेर फोर्ट जाते हुए भी ले सकते हैं या वापस आते हुए भी ले सकते हैं. फिलहाल इन पहाड़ियों से होते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं जयगढ़ फोर्ट में. जयगढ़ फोर्ट जिस चीज के लिए फेमस है वो है यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप. तो जयगढ़ में आपको देखने को मिलती है सबसे इम्पोर्टेंट, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन है. और इनफैक्ट इसकी खास बात यह है कि जब ये चलाई गई थी तब इससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था और 1700 सेंचुरी में चलाई गई थी. उसके बाद कभी इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था. सो दैट इज़ द रीज़न यू नो इट हैज़ बीन स्टॉप्ड आफ्टर दिस. जयगढ़ फोर्ट की इस वंडर कैनन को देखने के बाद जो एक और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच रहा हूं वो है जयगढ़ फोर्ट का एक कुआं. ये कुआं भी कोई नॉर्मल कुआं नहीं है जनाब, इस कुएं की हैं काफी खास बातें. वो क्या है चलिए जानते हैं. ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज अ टैंक जिसमें तकरीबन 40,000 लीटर पानी है. दिस इज अ टैंक जहाँ से ऑलमोस्ट एंशियंट टाइम्स में सभी राजा महाराजाओं को सभी फोर्ट में पानी सप्लाई होता था. अमेजिंग. तो इंटरेस्टिंगली ये जो टैंक है इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है. तो जो आपने टनल देखी थी आमेर फोर्ट में वो इसी टैंक में जाके कनेक्ट होती है नंबर वन. सेकेंडली और यहाँ का जो पानी है उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी है कि वो जड़ी बूटियों के थ्रू वो ट्रीटेड रहता है. सो दैट मेक्स इट एब्सोल्युटली फिट फॉर ड्रिंकिंग. दैट इज़ अनदर थिंग आउट. एक और इसमें खास बात यह है कि इसमें 10,000 आदमी 2 साल तक पानी पी सकते हैं और कुछ मुल्तानी साड़ीज वगैरह भी इससे बनाई जाती है. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, इस टैंक पे जितनी धूप पड़ती है ये उतना ही ये पानी ठंडा और होता है. तो इस तरह के काफी सारे ट्रिविया हैं जब भी आप जयपुर आते हैं. बहुत अमेजिंग जो है वो एंशियंट बातें आपको पता चलती हैं. सो दिस इज वन ऑफ द टैंक्स दैट शुड बी सीन. तो ये वो मुल्तानी साड़ी है जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया और आप इसे खरीद सकते हैं जयगढ़ फोर्ट की एंट्री के बाहर ही एक स्टोर से. तो ये पहले के जमाने के राजा के जमाने के जुगाड़ हैं, एसीस एंड कूलर्स, दीज वर ब्रॉट फ्रॉम इंग्लैंड. सो दिस प्लेस बिहाइंड मी इज लक्ष्मी विलास पैलेस जहाँ पे राजा रानी यहाँ पे रहा करते थे. और सामने जो है राइट एट द वेरी फ्रंट फंक्शंस हुआ करते थे. अब माहौल बदल चुका है, अब ये मॉडर्न फंक्शंस यहाँ पर होते हैं. राजा रानी के फंक्शंस खत्म हो चुके हैं ऑब्वियसली और मॉडर्न फंक्शंस. जयगढ़ फोर्ट में ये एक ऐसी लोकेशन है जिसमें काफी फिल्म्स की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है. इसके बाद हम इन सुरंग जैसे रास्तों से होते हुए जिस जगह पर पहुंचे वो है जयगढ़ फोर्ट का किचन. जयगढ़ फोर्ट में किचन को दिखाया गया है यहाँ पे बनाई गई स्टैचू से और यहाँ पर इनको एक तरह से लाइव दिखाया गया है यहाँ पर यूज होने वाले यूटेंसिल्स के साथ में. तो यहाँ पर दिस इज बेसिकली द डाइनिंग रूम, द लेडीज डाइनिंग रूम. सरप्राइजिंग चीज क्या है, बिल्कुल शांति, नो वन इज स्पीकिंग, सो लेडीज आर नॉट स्पीकिंग ओवर हियर. सरप्राइजिंग. इसके बाद हम पहुंचे जयगढ़ फोर्ट की एक ऐसी लोकेशन पे जिसका बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल रेफरेंस है और जहां से आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज
जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट के ठीक साथ में है ये स्पेशल प्लेस जहां पर शूटिंग हुई थी बोल बच्चन मूवी की, जिसमें तालाब वाला सीन शूट किया गया था। वैसे इस तालाब का सिग्निफिकेंस जयगढ़ फोर्ट के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहीं से पानी लाया जाता था जयगढ़ फोर्ट में हाथियों द्वारा। और जयगढ़ फोर्ट की बाकी लोकेशंस भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, जहां से आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही सुंदर व्यूज। इनफैक्ट आप जयपुर का एक हिस्सा काफी हद तक जयगढ़ फोर्ट के टॉप से आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ जयगढ़ फोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग लोकेशन है। जब यहाँ पर आप आ जाते हैं तो यहाँ से आप देख पाएंगे आमेर फोर्ट भी आप देख सकते हैं कुछ शूटिंग लोकेशन से। और अगर आप यहाँ पर देख पाएं, सो दिस इज़ दी एंटायर वॉल जो 36 किलोमीटर की रेंज में ये पूरी वॉल है जो सराउंड करती है इन फोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स को, इस फोर्ट के एरिया को। थोड़ा सा मैं आपको आमेर फोर्ट भी दिखाता हूँ, जो आप आमेर फोर्ट आप देख सकते हैं फ्रॉम हेयर, दैट इज़ आमेर फोर्ट। अगर आप देख पा रहे हैं तो दैट इज़ द वन। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने बोल बच्चन देखी हो तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कम। तो इसी लोकेशन पे बोल बच्चन के कुछ सीन्स को शूट किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जयगढ़ फोर्ट में काफी ज्यादा हिंदी मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। तो इस तरह की काफी इंटरेस्टिंग लोकेशंस जो है आप यहाँ पे आके जयगढ़ फोर्ट में देख सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ट टू सी। अब चलिए आपको जयगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। जयगढ़ फोर्ट बेसिकली बनाया गया था आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यह आमेर फोर्ट है और जयगढ़ फोर्ट इसके ठीक ऊपर है, यानी कि इससे ऊंची पहाड़ी पर है। और इसका मेन काम था कि आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करे, और इसीलिए आप यहाँ पर ये जो वॉल्स हैं आप देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई थी ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके, और इन वॉल्स के थ्रू सोल्जर्स भी आ जा सकते थे। यहाँ पर आप जो छोटे छोटे इन किलों की वॉल्स पे अक्सर ये बीच में जो विंडोज देखते हैं वर्टिकल विंडोज, ये होती हैं बेसिकली। इसमें गन लगाई जाती थी और एम किया जाता था। ये आप देख रहे हैं, दिस इज द वॉल विंडो, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गन लगाई जाती थी यहाँ पे और इसे एम किया जाता था उस तरह। अगर आप मेरी तरह फोटोग्राफी एंथुसियास्टिक हैं तो जयगढ़ फोर्ट आपके लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी अच्छी लोकेशंस हैं जो आपको फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छे व्यूज प्रोवाइड करती है। सो मेक श्योर ऑन दैट कि आप अपने कैमरे को हैंडी जरूर रखें। आई होप जयगढ़ फोर्ट के ये टूर का और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट का ये एपिसोड आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले ट्रेवल फूड एंड शॉपिंग वीडियोज भी आपसे मिस ना हो। तो जल्दी मिलता हूँ नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेज़।